बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी CSS और बाकी जितने भी हमारे वन पेपर MCQ पैटर्न के कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनकी ऑनलाइन तैयारी करवाती है। आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं www.harvardacademy.com से, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो ले सकते हैं। तो इलेक्शन एक्ट 2017, आज इसका हम सेशन नंबर 30 पढ़ेंगे और सेक्शन 63 कवर करेंगे। इसमें सेक्शन 363 जो है ये अबाउट अपील अगेंस्ट स्क्रूटनी ऑर्डर, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास नॉमिनेशन के पेपर जब गए तो रिटर्निंग ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन की हिदायत होती है उसके मुताबिक चेक करता है, और अगर कहीं पे उसको फॉल्ट नज़र आता है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है या जो क्राइटेरिया सेट किया है कमीशन ने उसमें वो पूरा नहीं उतरता तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर उसको रिजेक्ट कर सकता है। अगर किसी के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाएं तो वो जाहिर सी बात है खुद ही उसके खिलाफ अपील करेगा, और हो सकता है कि उसका इतना एजुकेटेड बंदा ना हो, उसका कोई नॉमिनी हो वो कर दे, और या फिर उसका जो स्पॉन्सर करने वाला है वो एपलेट ट्राइब्यूनल को जो है वो अपील कर दे। तो दूसरा एक और भी मामला हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन कि जो रिक्वायर्ड या जो गिवन इंफॉर्मेशन होती हैं या गिवन सेट क्राइटेरिया होता है उसके मुताबिक वो पूरा उतरता है और उसके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाते हैं एज़ पर पॉइंट व्यू ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। लेकिन क्या है कि उसके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट होने की वजह से कोई उसके अपोनेंट जो है जिसने उसके नॉमिनेशन पेपर्स को देखा था उसको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है वो एपलेट ट्राइब्यूनल की तरफ चला जाता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स क्यों एक्सेप्ट हुए। अब फिर जो है वो जो ट्राइब्यूनल होता है एपलेट ट्राइब्यूनल, वो जो जज पे एक मुश्तमिल होता है जो कि हाई कोर्ट का होता है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि जो वो हल्का होता है उसके लिए वो नॉमिनेटेड होता है, तो वो उसकी हियरिंग करता है और छोटी सी समरी में उसने रिजल्ट बताना होता है कि इसके डॉक्यूमेंट जो एक्सेप्ट हुए हैं रिजेक्ट होने चाहिए, अगर रिजेक्ट हुए हैं तो एक्सेप्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो उसमें वो डिटेल वर्डिक्ट की ज़रूरत नहीं होती। और फिर एक और भी मामला होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एपलेट ट्राइब्यूनल है वो खुद भी सो मोटो ले सकता है। सो मोटो का मतलब ये है कि वो खुद से अगर उसके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि वो डिफ़ॉल्टर है, टैक्स नहीं दिया या लोन उसने माफ़ करवाया हुआ था जो नॉमिनेशन के लिए जिसने पेपर सबमिट किए हुए हैं, तो फिर वो उसको कॉल करेगा और कहेगा कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स या तुम्हारी नॉमिनेशन क्यों रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक सिचुएशन अराइज हो सकती है, तो इसको हम ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट समरी मैंने आपको बता दी है। ए कैंडिडेट और द ऑब्जेक्टर मे विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द कमीशन, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं, सिर्फ ये कहा गया कि स्पेसिफाइड टाइम, और कमीशन टाइम स्पेसिफाई करता है कि किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई या एक्सेप्ट हुई उसके खिलाफ किसी ने अपील करनी है तो वो अपील ट्राइब्यूनल को कर सकता है। तो ये अपील किसके खिलाफ होगी? अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर, जिसने रिजेक्ट किया हो या एक्सेप्ट किया हो ए नॉमिनेशन पेपर टू एन एपील ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसिस्टिंग ऑफ ए पर्सन हु इज़ जज। ये जो एक ट्राइब्यूनल बनेगी उस पर एक जज होना चाहिए जो कि हाई कोर्ट का हो, और ये इसकी अपॉइंटमेंट जो होगी वो कमीशन कंसल्ट करेगा जो कंसर्न चीफ जस्टिस ऑफ दी हाई कोर्ट है, यानी कि जिस एरिया का लाहौर का है या जहाँ का भी है तो उसी जो हाई कोर्ट होगी यानी कि लाहौर हाई कोर्ट, या फिर अगर सिंध का इलाका है तो सिंध हाई कोर्ट, सेम इस तरीके से। यहाँ पे कुछ प्रोविजन दी गई है। प्रोवाइडेड दैट वेयर द नंबर ऑफ अपील्स सो नेसेसिटेट द कमीशन मे अपॉइंट ए पर्सन एज ट्राइब्यूनल हु हैज़ बिन अ जज ऑफ दी हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद दी चीफ जस्टिस ऑफ दी हाई कोर्ट कंसर्न। तो ये यहाँ पे बात की गई है कि इस जो ऊपर हमने बात की इसकी प्रोविजन ये है कि इस सूरत में एपलेट ट्राइब्यूनल के तौर पे जज अपॉइंट किया गया है जो कि लोअर हाई कोर्ट का कंसर्न हाई कोर्ट का, और उसकी कंसल्टेशन चीफ जस्टिस से कमीशन ने करने के बाद उसकी तैनाती की है। सबसेक्शन 2, एन एपलेट ट्राइब्यूनल शैल समरीली डिसाइड एन अपील फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1 विद इन सच टाइम एज मे बी नोटिफाइड बाई द कमीशन एंड एनी ऑर्डर पास्ड ऑन एपलेट अपील शैल बी फाइनल। के जो टाइम फ्रेम दिया गया था उसमें उसने डिसाइड करना है एपलेट ट्राइब्यूनल ने, और वो समरी की सूरत में उसका
जो है वो डिसीजन होगा, कोई लंबा चौड़ा नहीं होगा। सब सेक्शन थ्री, इफ़ द अपीलेट ट्राइब्यूनल इज नॉट एबल टू डिसाइड द अपील विद इन द टाइम फिक्स बाई द कमीशन अंडर सब सेक्शन टू, अपील शैल अबेट एंड डिसीजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर शैल बी फाइनल। यानी कि जो उसको 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, महीना, 2 महीने, जो भी टाइम दिया गया था अपीलेट ट्राइब्यूनल को, अगर उस पर डिसाइड नहीं कर सकी तो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो डिसाइड किया था नॉमिनेशन पेपर पे, वो फाइनल होगा और स्टैंड करेगा। सब सेक्शन फोर, इफ़ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और मटेरियल कमिंग टू इट्स नॉलेज एंड बाई एनी सोर्स एन अपीलेट ट्राइब्यूनल इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट कैंडिडेट हुज नॉमिनेशन पेपर हैज बीन एक्सेप्टेड इज डिफॉल्टर ऑफ द लोन्स, टैक्सेस, गवर्नमेंट ड्यूज एंड यूटिलिटी एक्सपेंसेस, और हैज़ हैड एनी लोन रिटर्न ऑफ और इज हैज़ विलफुली कंसील्ड सच फैक्ट और सफर्स फ्राम एनी अदर डिसक्वालिफिकेशन फ्राम बींग इलेक्टेड एज द मेम्बर ऑफ एन असम्बली। के जो अपीलेट ट्राइब्यूनल का जो जज है, जो कि अपॉइंट किया गया है एज ए अपीलेट ट्राइब्यूनल, उसके किसी भी रिसोर्स से उसके नॉलेज में आता है कि ये बंदा डिफाल्टर है, और उसकी कंडीशन दी गई कि डिफ़ॉल्ट किस तरह का हो सकता है, यानी कि उसने लोन राइट ऑफ किया हो, या कोई चीज़ उसने छुपाई हो, या फिर गवर्नमेंट के टैक्स ना दिए हों। तो इस सूरत में इट मे ऑन दी ऑन इट्स ऑन मोशन कॉल अपॉन द सच कैंडिडेट टू शो काज वाई हिज नॉमिनेशन पेपर्स मे नॉट बी रिजेक्टेड एंड इफ़ द एपलेट ट्राइब्यूनल इज सेटिसफाइड दैट द कैंडिडेट इज एक्चुअली डिफाल्टर। जब एपलेट ट्राइब्यूनल जिसने उसको कॉल किया था उसकी जस्टिफिकेशन सुन लेता है और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि वो वाकई डिफाल्टर है और हैज़ हैड ए लोन रिटर्न ऑफ, या फिर उसने कोई कर्जा अपना लोन माफ़ करवाया था फ्राम एनी डिस क्वालिफिकेशन, इट मे रिजेक्ट दी नॉमिनेशन पेपर। तो इस बेसिस पे जो एपलेट ट्राइब्यूनल है उसके नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर सकती है, जब सो मोटो या फिर इट्स ऑन मोशन की बेसिस पे केस को इनिशिएट किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेसन, और अक्सर हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे होते हैं कि आपके वो कंप्लीट एक सीरीज़ लेक्चर्स की अवेलेबल नहीं है, तो लेक्चर्स की ये एज अ डेमो हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, ताकि उनको पता चलता रहे हमारा कोर्स चल रहा है। तो आप कंप्लीट कोर्स सक्सेस करना हो तो आप हमारी वेबसाइट पर आप